ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बापदादा के 26 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति भी मिलती रहेंगी। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है कैसे? उत्तर, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बन करके तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बन करके आया है। वाह, वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाबा आए, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विषयों पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं, और ये भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में भी आए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। बाबा भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। ये पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो ये दुनिया छी छी है। तुम बच्चे भी छी छी बन गए हो, अपने को आपे ही कहते हो पतित पावन बाबा। आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिन में आना चाहिए। बाबा भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने ही बुलाया उनको। अब बाबा आए हैं ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिसल। वो लोग तो प्लान बनाते रहते हैं, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान्स है ना, 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं। गवर्नमेंट भी 5 साल का प्लान बनाती है, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर के मिलती है। आगे यह प्लान आगे नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। बातें तुम बच्चे भी जानते हो हमारे बाबा का ये प्लान है। ड्रामा के प्लान अनुसार तो 1000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैशालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने के लिए। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय, और वह सुखधाम सतयुग क्या है, साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो ना। जी बाबा, बुद्धि में निश्चय तो है ना, बाबा आया हुआ है। जी बाबा, है ना। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, ये भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएँ मिले हैं, कितना समय कहेंगे? 84 जन्म लेते हैं तो 84 लौकिक बाबाएँ मिलते हैं। और सतयुग से लेकर सुख का दुख का पाठ बजाया। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया है। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है, बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना, और फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है। सतयुग त्रेता फिर द्वापर युग में धीरे धीरे खाली होती जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं संगम युग में आके। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी हुई है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते हैं, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कली युग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे ना, शांति धाम कोई स्वीट नहीं है। सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वो आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना ऊंच क्या, कितना ऊंच पढ़ाते हैं और कितनी सहज पढ़ाई है, कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डॉक्टर्स इंजीनियर्स आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है, वर्षा तो बस बना बनाया है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम ये पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो,
वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है सतयुग में, जो बाप को याद करना पड़े। और यहाँ घाटा ही घाटा है, इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो। इसको कहा जाता अजपा जाप। तुम जानते हो बाबा आए हैं, बाप भी कहते मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली तो बजेगी ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए, पांच विकार रूपे रावण ने तुमको पापात्मा बनाया है, फिर पुण्यात्मा भी बनना है, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाबा की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाबा के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, माइट माने शक्ति मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है, क्या कहते हैं, रिलीजन इज अ माइट। बाप तो है ही सर्वशक्तिवान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन नहीं सकते हैं, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं राजाओं महाराजाओं को, बाबा के कितना डरते रहते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा होती है, एक लश्कर आदि कितना होता है, लेकिन वो है अल्पकाल की ताकत, या फिर है 21 जन्मों की ताकत। लक्ष्मीनारायण के पास 21 जन्मों की ताकत है। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव है। मूर्तियों को देखते ही दिल खुश हो जाता है। प्रैक्टिकल में आएंगे देवताएं सारी तो क्या बात हो जाएगी ना, जब सन्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो, याद करते करते ये बातें भूलो नहीं। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई भी शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिलती है, फिर अपने राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिवान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे। तुम्हारे बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारे आत्मा में नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर वह 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, हाँ, सतयुग और त्रेता युग में, द्वापर युग में, हाँ, इनडायरेक्टली बाबा हम बच्चों को मदद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अभी संगम युग पर डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। जब तुम दुखी होते हो तो स्टेज पर आते हैं, तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्मा है और उनमें ताकत कितनी है, कितनी समझ है। बाप कितना बाप आकर कितनी समझ देते हैं, फिर वहाँ सतयुग में ये सब भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको यह नॉलेज नहीं होती, वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो, यह भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अश्चर्य धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना, तुम जैसे प्राणदान देते हो। कहते हैं ना काल आकर के सबको ले जाता है, यमदूत आए यमराज आए लेकर के गए। बाबा कहते काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा चला जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता है। आत्मा को फीलिंग आती है, आत्मा जब गर्व में रहती है तो साक्षात्कार दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कलयुग में क्या है, गर्भ जेल है, और सतयुग में गर्भ महल।
कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिलती है, क्यों मिली साथ सजा? बाबा कहते साक्षात्कार तो कराएंगे ना, ऐसे थोड़ी आओ ये तुम्हारी सजा है तुम ले लो। बाबा कहते साक्षात्कार कराएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, आपने ऐसा ऐसा यह बेकायदे काम किया है, इनको इनको आपने दुख दिया है। वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाबा आकर के पापात्मा अच्छा बाबा कहते फिर बाहर जाते हैं, माना गर्भ से बाहर आते हैं, आते गर्भ में रहते हैं तो बस त्राही माम भगवान हमें यहाँ से निकाल दो बाहर, और बाहर जाने आने से फिर जन्म लेने से फिर भूल जाते हैं, कवा कवा कहते कब कब मैंने बोला है। तो बाबा के लिए सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे सो तो बच्चों को भी समझाया है इस याद की यात्रा से और चक्र फिराने से। सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बाप कहते मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ही स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो है परंतु फिर भी रोज रोज नहीं आते ना, तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पार्क बजाने के लिए। 84 का चक्र लगाया अब फिर वापस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को। बाबा जानते हैं बच्चे बहुत ही भूल जाते हैं, चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़े में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग नहीं जानते हैं, वो तो सिर्फ कहते चलो गंगा जी पर, चलो गंगा जी पर स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी भी बहुत होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं, अब उस यात्रा में और इस याद की यात्रा में देखो कितना अंतर है। यह यात्रा सब यात्राओं को छुड़ाती है, यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी गाते, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे, ये तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम बच्चे जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे भक्ति मार्ग में। बाबा कहते चार धाम किए, हाँ सब जगह पे, हाँ उत्तर भारत देखा, दक्षिण भारत देखा, हाँ सब जगह पर जा कर के भक्ति की। अभी बाबा कहते इन फेरों से तुम छूट गए हो, फेरे लगाते कोई नज़दीक नहीं आए हो, और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को आना पड़ता है सबको साथ ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं मेरे मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना ही है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बन करके तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने के लिए, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है ना, बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं। अभी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है, तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहाँ तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहाँ तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो, पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने से और स्वदर्शन चक्र को फिराने से, देखो आज बाबा सेकंड टाइम हमें याद दिला रहे हैं, ये सेंटेंस सेकंड टाइम बाबा ने रिपीट किया हुआ है। एक तो बाप को याद करने से और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे पाप कटेंगे, ये अच्छे से नोट करो, इस यही समझना समझाना बस है। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस बस है। बेहद के बाप को याद करो तुम्हारे पाप कटेंगे। नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने आते हो ये तो याद है ना, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं। यहाँ तुम आते हो बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास उनसे नई दुनिया का स्वर्ग का वर्षा लेने। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसे बनती है उनको देखो। ये भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं है, ये
सब दिव्य दृष्टि द्वारा ही जानते हो। आत्मा ही पढ़ते ही शरीर द्वारा यह ज्ञान अभी ही मिला हुआ है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा शरीर लेकर के कर्म करती रहती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम है सदैव शिव। शरीर के नाम तो बदलते रहते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है ब्रह्मा बाबा की, जिसमें परमात्मा आते हैं। बाबा कहते हैं शरीर मेरी मिल्कियत नहीं है, ये शरीर तो ब्रह्मा बाबा की है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है जिससे पार्ट बजाती है, ये तो बिल्कुल सहज बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग है, यह फिर है परमात्मा सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंच है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक ही है क्रिएटर, बाकी सब है रचना पार्ट बजाने वाले। ये भी जान गए हो कैसी आत्माएं आती है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती है थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है, माला को तुम फिराते हो ना तो सब दानों का चक्कर फिरता रहता है। सतयुग रहता तो अपार करिए, सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती है। बाबा ने समझाया है हे आत्माएं मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है। याद से पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ, मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बनाता हूँ ना। यह विश्व नए से नई, नए से पुराने और पुराने से नई बनती है। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो, बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं तुम्हारी बुद्धि में भी चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आए हैं, उनके श्रीमत पर हम पावन बनते हैं, याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद भी पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है, पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते रहते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो, हमारी 84 जन्मों की जो सीढ़ी है उसमें समझाते हैं। पाप को याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस वीर संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप के श्रीमत पर चल पूरा पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा ही सुखी बनानी है। वरदान सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर के खुश नहीं हो जाओ कि हाँ आज बहुत अच्छा मुझे वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, वरदान को काम में लगाने से ये वरदान कायम रहते परमानेंट हमारे हो जाते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं लेकिन उसे फलीभूत करना है, इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, बार बार वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, हमारी जो भी स्पेशलिटी है ये क्या है, प्रभु प्रसाद है। इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो, बांटने के बाद क्या होगा, बढ़ाओ, बढ़ती जाएगी हमारी विशेषताएं। ऐसे ही अंदर में नहीं रखना है कि हाँ मुझे पता है मेरी विशेषता क्या है, लेकिन सेवा में नहीं लगाते तो बाबा कहते बढ़ेगी नहीं। तो ये हमारा प्रभु का प्रसाद है, ये समझने से हम भी निरहंकारी बन जाएंगे, कोई भी विशेषता का अभिमान नहीं आएगा। तो ऐसे सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।